अगर आप प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर खरीदने का शौक रखते हैं तो मध्य प्रदेश जाइए। वहां पर अनुराग बता रहे हैं कि बाकी तेल भी 100 रुपए के करीब पहुंचने लगे हैं। पेट्रोल पंप में प्रीमियम पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है। राकेश परेशान है, गाड़ी में तेल भरवाएं या बैंक की किस्त भरें? गाड़ी किस्त तो बड़ी मुश्किल से भरा रही है, रोज के 200-250 दिन भर में हो रहा है। और कोई मेहनत करें तो क्या बनेंगे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल है तो महंगा ही महंगा हो जा रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं निकल रहा। डॉक्टर विजया मेनन दो तरफा परेशानी झेल रही हैं। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बाहर पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं, घर में रसोई गैस से। पेट्रोल का प्राइस मेरे ख्याल से एमपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पे एमपी में लग रहा है। अब तो जाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात, इस कोविड के कारण तो हमारी पूरी तनख्वाह आधी कर दी, इंक्रीमेंट है नहीं। एक दो साल तक तो मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे? बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो गया है। और ऐसे फ्यूल प्राइस चढ़ते जाएंगे तो हमें तो जाना बंद करना पड़ेगा या हमें वॉकिंग करना पड़ेगा। सोमवार को भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 61 पैसे थी, साधारण पेट्रोल की 96 रुपये 96 पैसे, डीजल की 87 रुपये 51 पैसे। मध्य प्रदेश पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा वैट वसूलने वाला राज्य है। यहाँ पेट्रोल पर 33% वैट लगता है और इसके अलावा हर लीटर पर 4.5 रुपये का सेस भी लगाया जाता है। इसी तरह डीजल पर 23% वैट के अलावा 3 रुपये प्रति लीटर सेस देना होता है। इस फर्क को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे खेतिया से समझें। सीमा के इस पार खेतिया में पेट्रोल 58 रुपये 26 पैसे बिका, जबकि दूसरी तरफ यानी महाराष्ट्र के खेड़ दीगर में 95 रुपये 67 पैसे। पंप मालिकों की एक और मुसीबत है, कीमत 3 अंकों में पहुंच गई, लेकिन कई जगहों पर मशीनों में 3 अंकों में कीमत का डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, तो पेट्रोल बिक नहीं रहा। जो हमारे यहाँ डिस्प्ले है, आप देखिए, एक डिस्प्ले आता है जो डेली का डेली रेट बताता है मशीन के अलावा, उसमें भी रेट कैसे चेंज होगा ये अभी हम पता कर रहे हैं कंपनी वालों से भी। सरकार में एक मंत्री जी वर्तमान के सवाल पर सोलर ऊर्जा टाइप भविष्य के जवाब दे रहे हैं, दूसरे सवाल सुनते ही कार चलाने लगे। ये तो पेट्रोल और डीजल के दाम भारत सरकार ने जो वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं उसके अनुसार तय होते हैं। अगर वहाँ कम हो जाते हैं तो इधर भी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ बढ़ जाते हैं, तो वो एक पूरा पूरे भारत में उसका किया जाता है। अपने टैक्स भी तो ज़्यादा है सर। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। कांग्रेस सरकार की तथाकथित दूरदृष्टि से खुश नहीं दिखती, पूछ रही है मुख्यमंत्री की साइकिल कहाँ है। कहाँ गई वो साइकिल, ने कहाँ पंचर हो गई, ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियाँ चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार और रसोई गैस की मार, ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी केवल मुंगरी लाल के सपने दिखा रही है कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये आएंगे तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएगा। अरे आज तो लोग परेशान हैं, इसका जवाब चाहिए। और हम लोग 22 तारीख को जब विधानसभा सेशन चलेगा साइकिल से जाएंगे। ये तो तय है कि बीजेपी की साइकिल गायब हो गई, लेकिन ये भी लगता है कि प्रतिपक्ष की साइकिल भी पंचर ही पड़ी है। जनता त्रस्त है, सुनने वाला कोई नहीं। क्रिकेट में जो स्कोर है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक हिस्सा कंपनी का है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार का। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।